आपके पास जो पैसे हैं, जो बैंक बैलेंस है, आपके मेहनत से नहीं बनी। तू अपने घर की कीमत मत लगाना, ये तेरे अम्मी अप्पू ने बनाया हुआ घर है। मैंने तुम्हारे डैड के पैसे से बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में मैं अपना पैसा कमाई, अपना। तुम्हारा जिंदगी का मेला तब तक खत्म ना हो जब तक तुम्हारे सारे सपने पूरे ना हो जाए। इसके पिता का नाम है राशन नंद। अरे विधि, तुम अविका के साथ आओ ना बेटा, अंदर आओ, बैठो। नमस्ते बेटा, बैठो। और बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा अविका बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? क्या हुआ बेटा, बताओ ना, कैसा था तुम्हारा इंटरव्यू? कुछ नहीं माम, बस ऐसे ही। एक्चुअली आंटी, अविका आज इंटरव्यू के लिए गई थी ना, वहाँ पे किसी ने उसके पापा का नाम पूछ लिया तो। इट्स ओके माँ, कौन सा आज ये पहली बार हुआ है। बचपन में बच्चों के साथ खेलने जाया करती थी, तब भी सब पूछते थे तुम्हारे पापा का क्या नाम है। स्कूल में एडमिशन लेना था, तब भी पापा का नाम नहीं पता था। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी, तब भी सबके मम्मी पापा आते थे, बट मेरे साथ सिर्फ तुम आती थी। न जाने कब से कितने सवाल मन में उठते हैं, मेरे पापा कौन है? पहले नाम नहीं पता था तो नहीं बता पाती थी, और आज नाम पता है तो भी नहीं बता पाती। यू नो माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज प्रेम भैया वहाँ आ गए और उन्होंने उस आदमी को क्या कहा पता है तुम्हें? उन्होंने कहा, मैं प्रेम भैया की बहन हूँ और रोशन नंदा मेरे पापा हैं। ऐसा कहा प्रेम ने? हाँ माँ, प्रेम भैया ने कहा मैं उनकी बहन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। आंटी सॉरी बेटा, हमारी वजह से। अरे नहीं आंटी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए, वो मैं प्रेम के साथ थी तो अविका को छोड़ने आ गई बस। अच्छा किया बेटा, सॉरी विधि। अरे प्लीज सॉरी मत कहो विधि। बेटा दरअसल ये सब हम बड़ों की गलतियों का नतीजा है, अविका को बहुत कुछ सहना पड़ा है, लेकिन खैर अब हमें आदत हो गई है। लेकिन हाँ बेटा, तुम इस बात का जरा भी स्ट्रेस मत लेना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं होता और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के ही होते हैं। आज मैंने किसी को अविका की इंसल्ट करते हुए देखा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आज भी अपने पिता का नाम नहीं ले पा रही है। किसकी नेमत कि रोशन नंदा की बेटी को कोई कुछ बोलते है। डैड बात उसकी हिम्मत की नहीं है, अविका की झिझक की है। वो आज भी आपको पिता कहने से डरती है, झिझकती है। क्या करूं मैं, मुझे बताओ ना क्या करूं। मैं कितने बार गया उनके पास मनाने के लिए कि आ जाओ घर आ जाओ, पर मानने को तैयार नहीं वो लोग। पर मैं घर भी देना चाहता हूं, नाम भी देना चाहता हूं, लेकिन मान तो जाए, कितना झुक गया हूं मैं पता है। इससे ज्यादा क्या करूं मैं, आई डोंट नो। पता है रिश्ते एक इंसान की वजह से टूटते हैं, लेकिन उसे जोड़ने के लिए दो इंसानों की जरूरत पड़ती है। मैंने सब कुछ मान लिया, अपनी गलतियां, अपने गुनाह, सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं माने। अरे मैं रोशन नंदा अपना आत्मसम्मान, अपना नाम, अपने पावर, सब कुछ भूल गया था, सब कुछ। मैं ये तक भूल गया कि मैं रोशन नंदा हूं। पता है
मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पति और एक पिता बनकर गया था, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मानी उसने। देखो प्रेम, मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी इस घर को मेरे परिवार की जरूरत है। पैसा कमाने की दौड़ में मैं इतना थक गया हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये फिल्में, ये पैसा, सब कुछ बेमतलब का लगता है मुझे, कुछ भी नहीं लगता। आज अविका को मेरा नाम लेने की झिझक है, शर्म आती है उसे। लेकिन मैं कहता हूं कि वो अविका नहीं, अविका रोशन नंदा है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी। पता है प्रेम, मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक माँ अपने मरे हुए बेटे को लेकर भगवान के पास जाती है और भगवान से कहती है कि अगर तुम भगवान हो तो मेरे बेटे को जिंदा करो, मेरे बेटे को मार दिया। भगवान कहते हैं कि जाओ और सबसे पहले एक मुट्ठी चावल उस घर से लेकर आओ जहां कोई मौत नहीं हुई। देखो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस दुनिया का एकमात्र बुरा इंसान नहीं, पहले मुझे सजा दो लेकिन घर आ जाओ, बस इतना ही कहना चाहता हूं। आप सचमुच बहुत बदल गए। आपके लिए जितना भी गुस्सा और जितनी भी नाराजगी थी ना, सब कम हो गई। मैं बात करूंगा अविका से, मां को भी मैं मनाऊंगा। प्लीज बेटा, उन्हें घर ले आओ प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, अविका के साथ एक्चुअली हुआ क्या था? कुछ नहीं डैड, वो अविका आज एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी और वहां पे उसके पिता का नाम पूछा और वो बता नहीं पाई। मतलब अविका जॉब करना चाहती है? हाँ डैड। आंटी आपने कहा था ना मेला खाली हो जाता है और फिर हम अकेले रह जाते हैं। मैंने पहले माँ को गवा दिया, फिर पापा भी चले। कभी कभी सोचती थी कि मेरे हाथ खाली क्यों, लेकिन आज अविका को मिली, सुष्मिता जी को देखा तो लगा कि उनके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है ना। अविका अपने पापा को पापा कह पाती है और ना सुष्मिता जी अपने बेटे के साथ रह पाती है। इसी बात का तो डर लगता है बेटा, जिंदगी संवारने में पूरी जिंदगी लग जाती है लेकिन उसको बिगड़ने में एक पल नहीं लगता है। यही तो हम तुमको कहना चाहता था बेटा कि घर परिवार भी तकदीर का हिस्सा है। हाँ आंटी, लेकिन आज जब अविका को देखा ना तो लगा कि उसका भी एक घर हो, परिवार हो, अपनों का साथ हो, वो खुशी वो प्यार मिले जिस पे हक है। लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकता क्या? मैं आंटी, मैं क्या कर सकती हूँ? प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो ना बेटा, उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ मैं प्रेम से बात करती हूँ, उसे मना लूंगी मैं। आंटी क्या हुआ आपको? जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दी, तुम उसकी बेटी की जिंदगी की चिंता कर रही हो? आंटी मेरे साथ बुरा रोशन नंदा ने किया है, अविका ने नहीं। अविका भी मेरी तरह एक लड़की है ना, जिसको अपने पापा की जरूरत है,
मुझे तो मेरे पापा अब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी और को अपने पापा मिलते हैं तो क्यों नहीं। हाँ बेटा, अब तो गॉड से बस एक ही प्रार्थना है, तुमको एक फिल्म मिल जाए, अपना मुन्ना दुबई जा पाए और अविका को घर मिल जाए। और हमको कोई पूछेगा ना इन सब से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो हम बोलेगा दुआओं का रिश्ता है। अविका के लिए कुछ करना, जरूर कुछ करना बेटा। अगर तुम्हारा वजह से किसी का घर बस जाएगा ना, तो गॉड तुम्हारा घर भी जल्दी बसा देगा। तकदीर वाली, अपन को ना तेरे से बात कर देगा। क्या हुआ मुन्ना? वो दरअसल बहुत जरूरी बात है। कहीं तुम्हारा दुबई जाना तय तो नहीं हो गया? अरे नहीं, दुबई की बात नहीं है। कल रात ना अपन 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 ने बहुत सोचा, उनको पूरी रात नींद नहीं आई है। मुन्ना सब ठीक तो है? वो अपन ने ना कल तेरी और डिसूजा आंटी की बात सुन लिया था। वेरी बैड मुन्ना, ऐसे छुप छुप कर किसी की बात नहीं सुनते। अपन को लगता है कि तेरे को डिसूजा आंटी का बात सुन लेना चाहिए। कौन सी बात? तेरे को ना प्रेम से बात करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए। क्या कि एक फैमिली होना मांगता है कि नहीं? एक फैमिली में सब लोग साथ में रहने मांगते हैं, खुश रहने मांगते हैं, कितना अच्छा लगता है कि नहीं? किसकी फैमिली मुन्ना? तेरी और किसकी? तेरे को ना प्रेम से शादी कर लेना मांगता है मुन्ना। अरे हाँ, अपन बात करते ना प्रेम से। अरे मुन्ना, मैं और डिसूजा आंटी मेरी नहीं, प्रेम की बहन अविका की बात कर रहे थे। अच्छा, तुम भी ना मुन्ना, पूरी बात सुने बिना ही पता नहीं कैसे क्या समझ लिया। अविका का क्या? बात कर रही ली तकदीर वाली, आपने तेरा घर उछाड़ दिया, तेरे साथ इतनी बड़ी साजिश की, तुझे मारने की कोशिश की, तो उसी के प्रेम भी तो उसी बाप का बेटा है ना मुन्ना। अरे लेकिन प्रेम ने तेरे लिए कुछ किया था ना, तो अविका ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो क्यों कर रही है ये सब? क्या मिलेगा तुझे इससे? तुम्हें क्या मिल रहा है मेरे लिए इतना कुछ करके? कुछ नहीं ना मुन्ना, कभी कभी सामने से कुछ ना मिले फिर भी कुछ काम करने पड़ते हैं। तो अब तू क्या करेगी? उस अविका का हाथ पकड़ के रोशन के घर पे लेके जाएगी? नहीं मुन्ना, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे अविका और सुष्मिता जी अपने आप रोशन अंकल के घर पहुंच जाएंगे। एक बार भैया से बात तो करके देखो। नहीं, मुझे अभी कोई बात ही नहीं करनी। बात नहीं करनी है मतलब? अरे दीदी, तुम ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ के जा सकती हो? दद्दू, चाय पी ली क्या आपने? अरे दद्दू कहाँ रह गए? आपकी चाय। अरे ठहर आप। अरे सर सर सर, आओ बैठ के चाय पीते। बढ़िया सी चाय बना के लाया हूँ मैं आपके लिए। कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। चीनी कम है लेकिन। अच्छा, अरे इतनी बढ़िया चाय बनाई है मैंने, पियो पियो। तो सुनो, वो मलिका जी के फिल्म का मुहूर्त है आज,
तो शायद आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल दैट यू नो हाउ हाउ इट गोस. इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं मेरा, फिर भी जाना तो पड़ेगा, काम है ना. लेकिन काम करना, तुम रात का खाना मत खाना, मेरा इंतजार करना. डैड बाहर चलेंगे डिनर के लिए, पिएंगे शिएंगे, हाँ मजा आएगा. डैड वी विल गो फॉर अ टॉस. यस नॉट ओनली टॉस, फुल टॉस. यस डैड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आज आपकी नई फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही. थैंक्स माय सन. देखो तुम खाना खा लेना, मुझे सच में बहुत देर हो जाएगी. वैसे भी प्रेम घर आने की जल्दी किसे, मैं अपने घर को बिखरने से बचा नहीं पाया, बहुत देर कर दी. सचमुच मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतना बदल रहे हो. पहले कभी भी आपको इतना वीक नहीं देखा मैंने. वीक या इमोशनल? एक्चुअली दोनों. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आज आपके लिए ये फिल्म के मुहूर्त से ज्यादा मेरे साथ खाना खाना जरूरी हो गया. मां को मिस कर रहे हो? तो मैं मां से बात करता हूं. नहीं बिल्कुल बात नहीं करोगे तुम. उसको अगर यहां नहीं आना है तो मत आए, चलेगा मुझे. मां पर इतना गुस्सा? अरे क्यों नहीं गुस्सा हूं मैं? देखो तुम भी ना अकेले जीने की आदत डाल दो अभी, समझे? देखो बेटा मेरा घर तो बसते ही बिखर गया, और रही बात तुम्हारी, पता नहीं तुम्हारा घर कब बसेगा. और बस तुमने प्यार कर लिया उस विधि जैसी लड़की से. मेरा मतलब है कि विधि जैसी अच्छी लड़की से. देवदास हो ना तुम उसके, सपने पूरा करना चाहते हो उसके, बहुत अच्छी बात है. मैं तो कहता हूँ चोटी पकड़ के ले आओ, शादी कर लो, तो तुम्हारा भी मन करेगा घर पे शाम को जल्दी आने का. हाँ चाय बनाने का मन करेगा किसी के लिए, नहीं तो हम बाप बेटा ना यूँ चाय पीते रह जाएंगे लाइफ लॉन्ग. जब मैं इमोशनल होऊंगा तुम मुझे संभालोगे, जब तुम इमोशनल होगे मैं तुम्हें संभालूंगा. दैट्स इट, नथिंग न्यू. डैड आज मल्लिका जी की फिल्म का मुहूर्त है. आई थिंक यू शुड रीच ऑन टाइम. एंड यू नो व्हाट, यू आर अ ग्रेट डायरेक्टर. और हाँ अगर आप लेट पहुंचे ना तो ऐसा ना हो कि फिल्म का मुहूर्त ही कैंसिल हो जाए. जल्दी जाना चाहिए आपको. छोड़ ना प्रेम, ले चाय पी 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 पी. ये तो प्यार से बनाई है तेरे लिए. लेकिन वो जो विधि वाली बात है ना उसे भूलना नहीं, चोटी पकड़ के ले और शादी कर ले जल्दी से. हाँ चीयर्स. चीयर्स. यस अविका स्पीकिंग. हाँ हाँ बट मैंने तो जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था. ओके ओके आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, विल लेट यू नो. थैंक यू. किसका फोन था बेटा? माँ एक बहुत बड़े फर्म से कॉल आया था, मुझे जॉब ऑफर कर रहे थे. बट माँ सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने वहाँ पे अप्लाई तक नहीं किया और इंटरव्यू भी नहीं दिया. माँ उन्होंने मुझे सामने से ऑफर किया है जॉब. अरे लेकिन वो तुझे जानते नहीं है तो फिर सामने से कैसे ऑफर किया? हाँ माँ शायद मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, वहाँ से डिटेल्स कलेक्ट की होंगी. तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा. हाँ माँ बहुत अच्छी बात है. आंटी जी. अरे विधि तुम बहुत अच्छे वक्त पर आई हो. तुम्हें पता है अविका को एक बहुत बड़ी फर्म में अच्छी सी जॉब ऑफर हुई है. क्या हुआ विधि? विधि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या हुआ? मैं और प्रेम जुदा हो रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए. ये क्या कह रही हो तुम? भैया के साथ झगड़ा हुआ है क्या? प्रेम शादी नहीं करना चाहता और मैं अब हमारे रिश्ते को बिना नाम के आगे नहीं बढ़ाना चाहती. ये क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो,
तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी हो, फिर ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हो तुम लोग? हाँ, लेकिन मुझे अब सिक्योरिटी चाहिए। मुझे हमारे रिश्ते का एक नाम चाहिए। प्रेम अगर शादी के लिए हाँ नहीं कहता है तो। लेकिन विधि, भैया ने शादी के लिए इसलिए मना किया था कि तुम अपना काम अच्छे से कर सको। लेकिन काम तो शादी के बाद भी हो सकता है ना। एक बार भैया से बात तो करके देखो। नहीं, मुझे अभी कोई बात ही नहीं करनी। बात नहीं करनी है मतलब? अरे विधि, तुम ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ के जा सकती हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है? अरे बेटा, तुम्हारी खुशियों के साथ तुम्हारे गमों के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम सब पर क्या गुजरेगी? तो आप प्रेम को समझाइए ना, मुझे नहीं। ठीक है, तो मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। मुझे अभी इसी वक्त फैसला चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। या तो आज प्रेम शादी के लिए हाँ करेगा, या तो हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त प्रेम से बात करूंगी, तुम चलो मेरे साथ। विधि जब कोमा में थी तब दिन रात तुमने उसकी सेवा की। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, विधि ठीक हो गई है, अब तुम उसे दूर जाने की बात कर रहे हो? डैड, आज मलिका जी की फिल्म का मुहूर्त है। आई थिंक यू शुड रीच ऑन टाइम। आपका इंतजार करी होगी। पर मेरी तरफ से उन्हें गुड लक बोलना। डेफिनेटली प्रेम जी। थी तब दिन रात तुमने उसकी सेवा की, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, विधि ठीक हो गई है, अब तुम उसे दूर जाने की बात कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें प्रेम? और आप? अरे प्रेम विधि से शादी करने के लिए मना कर रहा है और आपने उससे कुछ नहीं कहा? अंकिता, रोशन नंदा मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। हम यहाँ पर मुहूर्त में जाने के लिए तैयार है, उनका वेट कर रहे हैं, ना ही तो वो यहाँ पर आए हैं और ना ही मेरा फोन उठा रहा है। मॉम, लेकिन वहाँ मुहूर्त में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ अंकिता, रोशन नंदा फिल्म के डायरेक्टर है। मॉम, लेकिन हम लेट हो रहे हैं। पर वो नहीं आए तो मैं? मॉम, फिल्म का मुहूर्त कैंसिल कर दो। मॉम, मैंने कहा ना, सुना नहीं तुमने?